ओके सो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आ, आप सबको जो कमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर है वो आप क्लास ट्वेल्व का फिजिक्स प्रोवाइड कीजिए तो मैं सारे सब्जेक्ट क्या मैं का करूँगा बट मैं ज़्यादातर फिजिक्स का करूँगा और ऐसे न्यूज़ भी निकल करके आ रही है कि बि बॉस आप लोगों को प्रमोट करने वाला नहीं है ठीक है ना क्योंकि अगर प्रमोट करना रहता तो वो कोई ना कोई अपडेट जरूर दे देता ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों का वो एग्ज़ाम अगस्त तक के लिए ठीक है तो उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी बट इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको विथ आंसर बता दूंगा ठीक है आप इसको वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे तो इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हैं और बहुत सारे जो है वो एक्सेप्टेड uh, हम लोग कर सकते हैं कि वो भी आ सकता है तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड राइट इट्स एस यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला तो इसका आंसर यहाँ पे सिंपल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड पे ठीक है इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट डेट पॉइंट आपको सिंपली इसको समझ लेना है ठीक है ना फिजिक्स में आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको इसको दो तीन बार सिर्फ समझ लेना है आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो पहला चीज़ तो ये हो चुका और दूसरा इसमें यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है ना ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला तो यार देखो ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे जो नोटपैड में सिस्टम है कि यहाँ पर नहीं लिखा पाता है तो आपको ऐसा यूनिट वगैरह आप इसका सिर्फ आप सर्च कर लेना गूगल पर ठीक है ना आ, नहीं तो मैं कमेंट में भी इसको पिनअप कर दूंगा ठीक है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड राइट इज ऐसा यूनिट ठीक है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट द वैक्टर सम ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए पोजिशन वैक्टर विथ ए पॉइंट चार्ज इज नोन एज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द ऑरिजिन तो इसका आंसर ये हो चुका है आपको यहाँ पे देख लो डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट इसका ऐसा यूनिट जो है वो कूलम पर मीटर होता है और ये वन वर्ड जो होता ना बी बॉस में वन वर्ड में भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है वन वर्ड का भी हम लोग आपको मैं बता दूँगा सारा कुछ फिर जो फोर्थ है यहाँ पे ओके टू के बाद अच्छा थ्री मैंने देना भोला गया था राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ए फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन का जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ए फोर्स है उसका क्या सिग्निफिकेंस है तो यहाँ पे देखो दिज लाइन आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर अ सिस्टम ऑफ ए प्वांट चार्ज इट इज रिमार्केबल ठीक है ये रिमार्केबल है रिमार्क है ठीक है ना एट दीज लाइन इमेजनरी और ये इमेजनरी है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर टू ए नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज से जो है वो इंटर करता है और निगेटिव दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज से जो है ये ओरिजिनेट होता है और इंटर द नेगेटिव चार्ज ठीक है तो ये काफ़ी इजी है आपको सिंपली uh, इसका जो है वो आपको सिर्फ समझ लेना है दो तीन पॉइंट वगैरह नहीं तो आप वीडियो को एक दो बार देख लोगे ना गौर से तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं हिंदी में थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ कि हिंदी मतलब फिजिक्स का जो वर्ड है वो मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश है तो इसलिए हिंदी वगैरह में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हमको दिक्कत होता है राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको बेसिक प्रॉपर्टी क्या है पिछला साल भी आया था मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे नहीं है ये पिछला साल भी आया था राइट द टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज तो यहाँ पे टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज आपको लिख देना है ठीक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्व ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज क्वान्टाइजेशन ऑफ़ ए इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है पहला तो ये हो चुका है यहाँ पे आपको और दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है तो ये दोनों हो चुका है आपको फिर यहाँ पे है लॉ ये काफ़ी ज़्यादा आता है ठीक है ये आना ही आना है आप हमसे लिख करके ले लो राइट द लॉज फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ अ चार्ज लॉज फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज क्या है चार्ज इतना इधर क्रिएट और नॉट डिस्टर्वाइड हम लोग ये भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे आपको सिंपली मतलब इसको अच्छा से ये समझाना है चार्ज चार्ज ऑन आइदर क्रिएट और नॉट डिस्टोवाइड दे आर ट्रांसफर ऑफ ए चार्ज चार्जेज ऑफ ए सिस्टम रिमन कंजर्व ठीक है तो इसको आप सिंपल में ये भी लिख सकते हो चार्ज इज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्टर्वाड बट इसका ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म रिमन कॉन्स्टेंट ठीक है वाट इज द लिमिटेशन ऑफ अ कोलमसला कोलम्सला का क्या लिमिटेशन है तो इसका यहाँ पे जो है वो आंसर है इट होल्ड्स फोर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल शुड नॉट बी टू जीरो पहला पॉइंट डी हो चुका है इट होल्ड्स फोर चार्ज एट रेस्ट एट द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल शुड नोट टू बी जीरो मास ऑफ ए बॉडी चार्ज चेंज व्हेन इट चार्ज हाँ ये वाला आप तो मतलब इसको जो है ना हर हाल में लिख लो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का और ये भी आएगा आपको आप हमसे लिख करके ले लो तो इसको समझ लो आप द चार्ज ऑन ए बॉडी इंडिकेट डेट एक मिनट वेट हाँ तो द चार्ज ऑन ए बॉडी इंडिकेट दैट वेदर बॉडी हैज़ ए लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्गन ठीक है लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्गन द इलेक्ट्रॉन एज ए हैज फाइनाइट मास ठीक है पहला आपको यहाँ से यहाँ तक ये हो चुका सो मच ऑफ ए नेगेटिविटी चार्ज बॉडी इंक्रीज ऑन ए बिगिनिंग ऑफ ए पॉजिटिविटी चार्ज ए बॉडी लॉस सम मास ठीक है तो आपको पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक रट लेना है एकदम और यहाँ से यहाँ तक इसको रट लेना है इसमें से आएगा ही आएगा आपको उतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है कि समझ लें अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है नहीं तो फिर आपको इसको जो है वो याद कर लेना हर हाल में ये आता ही आता ही है तो ये था फिजिक्स का और ये जो है ना ये टू नंबर में भी आ सकता है और फोर नंबर में भी दोनों में ही आ सकता है इसमें कोई शक नहीं है और जो यहाँ पे फिर है डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट तो इसका आंसर है द टोटल नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ए फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए गिवेन सरफेस एरिया द टोटल नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ए फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए गिवेन सर्फेस एरिया आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ईसा यूनिट इज वोल्टोमीटर और आप लास्ट में एक और पॉइंट दे देना इट इज ए स्कोलर क्वान्टिटी ठीक है तो इस सभी को जो है आप मेरे ख्याल में आपको एक कॉपी पर लिख लो नहीं तो आपको स्क्रीन शूट लेकर के आप इसे दो तीन बार पढ़ सकते हो तो भी आपको याद हो ही जाएगा ठीक है राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ए फोर्स तो इसको आपको खुद से लिखना है ठीक है ना इसका भी आंसर बिल्कुल ईजी है और टू प्रॉपर्टी जो फिर इलेक्ट्रिक लाइन में इसका आंसर बिल्कुल ये नहीं तो फिर आने वाला नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा और आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मतलब किस uh, एथी पे चाहिए किस सब्जेक्ट पे चाहिए इंग्लिश पे हिंदी पे या फिर केमिस्ट्री पे तो आप मुझे ये बताओ और ये फिजिक्स का ठीक है मैं सारा कुछ आपको गाइड से दे रहा हूँ तो आंसर के साथ मैंने इसलिए प्रोवाइड किया कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था मैंने एक डाला था तो वहाँ पे आप लोगों को ये कहना था कि आंसर वगैरह हम लोगों को खोजने में दिक्कत हो रही तो आंसर भी चाहिए ठीक है तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जो जो बी बॉस के स्टूडेंट है तो थैंक्स एंड हैवी नाइस डे एंड जय हिंद